आपको यहाँ पर कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज के बारे में डिस्क्राइब करें कि कौन सी सर्विसेज का क्या काम होता है, कैसे वो सर्विसेज प्रोवाइड करती है, राइट? इस क्वेश्चन को इस तरह से भी लिखा जा सकता है कि कनेक्शन की जो सर्विसेज होती हैं वो किस नेटवर्क पे काम करती हैं, कौन से टाइप की सर्विसेज होती हैं, दोनों टाइप से क्वेश्चन ये आ सकते हैं। तो चलिए मेरे को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसका आंसर। कम्युनिकेशन इज अ टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क। डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है? टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क होता है जिससे हम कुछ भी सेंड कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं बिटवीन द टू एंड मोर कंप्यूटर सिस्टम ओवर द नेटवर्क। ये क्या कहना चाहते हैं, चाहे हम सेम नेटवर्क पे काम करें या चाहे हम डिफरेंट नेटवर्क पे काम करें, बट अगर हम डेटा सेंड करना चाहते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे, चाहे वो सेम नेटवर्क का हो या डिफरेंट नेटवर्क का, तो हम इजिली सेंड और रिसीव कर सकते हैं डेटा टू एंड मोर कंप्यूटर्स के बीच में। इसी को हम डेटा कम्युनिकेशन कहते हैं। देखो कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, कम्युनिकेट कर पाना, एंड डेटा का मीनिंग क्या है, डेटा, यानी डेटा जो है आपस में कम्युनिकेट कर पा रहा है एक एंड से दूसरे एंड तक और दूसरे से फर्स्ट एंड तक, वो हमारा डेटा कम्युनिकेशन होता है। अब सिंपल से इसने क्या बात लिखी है कि डेटा कम्युनिकेशन इज अ टेलीकम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन एक टेलीकम्युनिकेशन है जिसमें डेटा को सेंड किया जा सकता है और रिसीव किया जा सकता है बिटवीन द टू एंड मोर कंप्यूटर सिस्टम, दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर सिस्टम्स के बीच में ओवर द नेटवर्क। कौन से टाइप का नेटवर्क? सिमिलर और डिफरेंट। सिमिलर नेटवर्क पर भी और डिफरेंट नेटवर्क पर भी, दोनों पे ही हो सकता है, ठीक है। देयर आर द टू वेज टू एस्टैब्लिश द कनेक्शन बिफोर सेंडिंग द डेटा। डेटा को सेंड करने से पहले हमें कनेक्शन बिल्ड करना पड़ता है। कनेक्शन बिल्ड किस में करना पड़ता है? टीसीपी में। और कनेक्शन बिना बिल्ड किए हम डेटा को सेंड कर सकते हैं यूडीपी में। ये दोनों ही क्या है? प्रोटोकॉल्स हैं। वो अलग ही बात है कौन से प्रोटोकॉल्स हैं। अगर इसमें आप एग्जांपल लिखना चाहते हैं, एग्जांपल लिख सकते हैं कनेक्शन लेस कौन सा है और कनेक्शन ओरिएंटेड कौन सा है। अभी के लिए वो सिर्फ इतना कह रहा है कि जब आप डेटा को ट्रांसफर करेंगे तो उस डेटा को ट्रांसफर करने से पहले आपको एक सेशन क्रिएट करना पड़ेगा, एक कनेक्शन बिल्ड करना पड़ेगा, जिससे एक रास्ता फिक्स हो जाएगा कि हमेशा जितना भी पैकेट जाएगा इस पर्टिकुलर सेशन के लिए, जैसे कि आपने फाइल सेंड करनी है, वो फाइल 5 मिनट तक आपको पता शेयर हो जाएगी, उसकी एमबी को देखिए कि उसका साइज कितना है, आपको लगता है 5 मिनट में ये शेयर हो जाएगी, ठीक है। तो 5 मिनट के लिए कनेक्शन बिल्ड हो जाएगा सेंडर और रिसीवर के बीच में। सेंडर क्या करेगा, सबसे पहले एक हेलो रिक्वेस्ट भेज देगा उसको कनेक्शन इस्टेब्लिश करने के लिए कि फिर कोई कनेक्शन बनाना है, फिर डेटा ट्रांसफर करेगा, देन लास्ट में क्या करेगा, वो जो रिसीवर है या फिर रिसीवर की जगह सेंडर भी कर सकता है कि बाय अब डेटा जो है वो ट्रांसफर नहीं करना, अब हमें कनेक्शन को टर्मिनेट करना है, ठीक है। जो थ्री वे हैंडशेकिंग मेथड में इसको यूज किया जाता है, थ्री वे हैंडशेकिंग में क्या होता है, जैसी कनेक्शन पहले बनाओ फिर उस पर डेटा को सेंड करो देन लास्ट में टर्मिनेट कर दो, ये होता है थ्री वे हैंडशेक मेथड, ठीक है। तो दो तरह से यहाँ पर हम इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपने कनेक्शन को किसी भी एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस तक डेटा सेंड करने से पहले, डेटा कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस सर्विसेज, कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस सर्विसेज का यूज करके। यानी आपके लिए कनेक्शन बनेगा तो सही, कनेक्शन लेस बनेगा सर्विसेज या कनेक्शन ओरिएंटेड बनेगा वो डिपेंड करता है। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज इन्वॉल्व द क्रिएशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द कनेक्शन। कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है, कनेक्शन ओरिएंटेड, देखो नेम से पता लग रहा है कनेक्शन ओरिएंटेड, जिसके अंदर कनेक्शन बनाना पड़ेगा, ओरिएंटेड में उसके अंदर वो है कि हमें कैपेबिलिटी है कि हमें कनेक्शन बनाना पड़ेगा डेटा को सेंड करने से पहले। और कनेक्शन लेस से आप कैसे समझिए, जिसके अंदर कनेक्शन ना हो, यानी जहाँ पर हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश ना करना पड़े। तो पहले हम बात करें यहाँ पर कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज की। तो कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज में क्या होता है, इन्वॉल्व द क्रिएशन एंड टर्मिनेशन। इसके अंदर क्रिएशन भी आपको करना पड़ता है सेंडर को और टर्मिनेशन भी सेंडर को ही करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, सबसे पहले कनेक्शन को क्रिएट करेगा सेंडर, देन लास्ट में टर्मिनेट भी करेगा, ताकि उस पर्टिकुलर पाथ को कोई और नेटवर्क भी यूज कर सके अपने डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। अब ऐसे तो है नहीं है कि हमेशा सिर्फ एक ही नेटवर्क लेकर बैठा रहेगा एक पूरे के पूरे पाथ को, ऐसा भी हो सकता है कि उसी पर्टिकुलर पाथ से किसी दूसरे नेटवर्क को सेम पर्सन को डेटा सेंड करना हो सकता है ना। तो ऐसे तो हमेशा वो बिजी रहेगा और पर्टिकुलर जो अनदर नेटवर्क सेंड करना चाहता है वो वेटिंग में रहेगा, ऐसे तो हम कर नहीं सकते, सब नेटवर्क्स को चांस मिलना चाहिए। तो इसी चांस की वजह से क्या होगा, यहाँ पर थ्री वे हैंडशेक मेथड का यूज किया जाता है कनेक्शन ओरिएंटेड का, कि जैसे ही कनेक्शन स्टार्ट करेंगे आप तो डेटा पैकेट को सेंड कर दीजिए,
और जैसे आपको पता लग रहा है कि आपका डेटा जो है वो जा चुका है, तो कनेक्शन को टर्मिनेट कर दीजिए, जिससे बाकी जितने भी डिवाइस है अगर वो पर्टिकुलर पाथ को यूज करना चाहते हैं देन वो कर सकें। ठीक है, ऑफ द कनेक्शन ऑफ सेंडिंग द डेटा बिटवीन द टू एंड मोर डेटा, यानी कि दो या दो से ज्यादा के बीच में डेटा को ट्रांसफर करने के लिए कनेक्शन बनाना पड़ता है। फिर इन कंट्रास्ट, इससे अपोजिट में क्या आता है, कनेक्शन लेस सर्विसेज। कनेक्शन लेस सर्विसेज अभी हमने देखा क्या हो सकती हैं, जिसके अंदर कनेक्शन ना हो इस टाइप की सर्विसेज। ठीक है, इट डो नॉट रिक्वायर एस्टैब्लिशिंग एनी कनेक्शन, इसको किसी भी टाइप का कनेक्शन बनाने की नीड नहीं है। जहां से जिस जैसी पाथ पे, या भी कह सकते हैं जैसे सर्विसेज के पास, किसी भी नोड के पास कोई डेटा उसने सेंड करना है तो डायरेक्टली उठाकर फॉरवर्डिंग कर देगा, फ्लडिंग कर देगा कि बस डेटा जो है सब जगह भेज दो, जैसे मर्जी भेज दो, कोई सीक्वेंस का मैटर नहीं है। अगर पहले 5 गया, 8 गया, फिर 1 गया, 2 गया, इसका कोई मतलब ही नहीं रखता कि ये चेक करे कि सीक्वेंस क्या है। कनेक्शन लेस में सीक्वेंस नहीं चेक किया जाता, उसमें बस आपको ये गारंटी मिल जाती है कि आपका डेटा पैकेट जो है वो रिसीवर तक जरूर पहुंच जाएगा, डिले नहीं होगा, चाहे उसको 4-5 रास्ते से एक साथ भेजना पड़े। बट इससे क्या होगा, बैंडविड्थ वेस्ट होगी। ठीक है, बैंडविड्थ वेस्ट होगी, क्यों होगी, क्योंकि आप बहुत सारे पैकेट्स को एक साथ भेज रहे हो जो कि अननेसेसरी है, कोई नीड नहीं है उसका। अगर आप एक पैकेट को एक बार भेजेंगे तब भी उसके पास पहुंच ही जाएगा, बट बात क्या है कि अलग अलग पाथ को फॉलो कर रहा है, फर्स्ट टू पाथ जो है वो फर्स्ट से गए, सेकंड टू है सेकंड से गए, इस तरह से। लेकिन कनेक्शन ओरिएंटेड में क्या था, कनेक्शन ओरिएंटेड में ये था कि अगर एक बार रास्ता बन गया ना तो जितने भी पैकेट जाएंगे, चाहे 1 से 100 तक या 1000 पैकेट भी ट्रांसफर करने हैं तो 1000 के 1000 पैकेट एक ही पाथ को फॉलो करेंगे, अलग अलग रास्ते को फॉलो नहीं करेंगे। कनेक्शन लेस में अलग अलग रास्ते को फॉलो किया जाता है। ठीक है, इतना समझ में आया। कनेक्शन लेस में क्या होता है, कोई क्रिएशन और टर्मिनेशन का प्रोसेस नहीं होता, डायरेक्टली पूरे के पूरे नेटवर्क पर हम फ्लडिंग कर देते हैं, जिसका जो भी डेटा होगा वो फेचअप कर देगा वहां से। ठीक है, कोई स्पेसिफिक के पास नहीं भेजते, सबके पास फॉलो कर देते हैं। इसके पास दो ही सर्विसेज होती हैं, एक कनेक्शन ओरिएंटेड और एक कनेक्शन लेस। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतनी। आज हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन पार्ट और द डेटा कम्युनिकेशन एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ कनेक्शन सर्विसेज। आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।